नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचाला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, और जो परसों मीटिंग हुई थी वहां भी जिक्र किया गया हार्टन वालों को इसमें डालो, लेकिन वहां पे स्पष्ट नहीं हो पाया है, अभी क्लैरिफिकेशन बाकी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर हार्टन को कौशल में डाल दिया जाता है तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी सबकी। 18% GST जो हम सैलरी ले रहे हैं उसमें क्या आप था? कितनी GST तो आपको वापस मिलने वाला ही नहीं है। सरकार कहते हैं कि हम ठेका प्रथा को खत्म करेंगे, अरे यहाँ पे सरकार ने खुद बड़ा चोर बैठा दिया है। जो 18% GST काट रहा है, जिन लोगों का नहीं कटता था उनका भी काट रहा है, तो फिर फर्क क्या रह गया ठेकेदारों में और आप हमारी सरकार के अंदर? तो सरकार को अगर कोई अच्छा सिस्टम बनाना चाहिए बनाना था तो ये कटौतियां फिर हो रही है। तो यहाँ पर जैसे हार्टन इंप्लॉय इनका कोई GST नहीं कटता था, पार्ट टू इंप्लॉय इनका कोई GST नहीं कटता था, जो पार्ट वन है उनका लिए और जो एजेंसी का जो GST वगैरह था वो कटता था। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को लिए बहुत बुरी खबर यहाँ पे हो सकती है और जल्दी क्लैरिफिकेशन आएगी। अगर हार्टन को कौशल में डाल दिया तो आप सब दिमाग की तौर पे भी परेशान हो जाओगे। रियलिटी कह रहा हूं, जिनके पास ज्वाइनिंग ऑफर लेटर आ रहे हैं, अब वो समस्या है कि हम एक्सेप्ट करें ना करें, भाई वो तो एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर कोई क्लैरिफिकेशन आएगी तो वो डिपार्टमेंट का काम है बाद में, अगर आपने नौकरी करनी है तो करना ही होगा। हालात कुछ साथी कहते हैं हम केस कर दें। देखिए, केस का यहाँ पर वही मामला है, केस चलता रहता है, फिर फायदा कुछ नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि कोई जब सरकार ने जो ऑर्डर जारी कर दिया उस पर हम जीत नहीं सकते हैं। 2014 की पॉलिसी अब तक केस चल रहा है। और ये मैं बता दूं आपको, कौशल रोजगार में 2014 की पॉलिसी में जो पक्के हुए हैं उनको भी डालने की कोशिश करेंगे, आपको ये भी बता रहा हूं मैं एडवांस में, क्योंकि वो बोलेंगे जब तक इनका कोर्ट केस फाइनल नहीं होता इनको कौशल में डालो। रियलिटी है ये, झूठ नहीं होगी बात कभी भी। सरकार चाहती है जो केस फंसा है उनको कौशल में डालो, करते रहेंगे केस हम उनसे काम भी लेते रहेंगे। तो ये एक इनके एक तीर दो निशाना यहाँ पे सरकार मार रही है, आपको बता दें। और बुरी खबर हार्टन वालों के लिए, जो इतनी मेहनत से जो टेस्ट दे के लगे हैं और जो बैकडोर से लगे हैं, सिफारशी लोग लगे हैं, उनको तो चलो कौशल में डालो अच्छी बात है, लेकिन जो मेहनत से लगे हैं उनको कौशल में डालना ये अन्याय है, घोर अन्याय है, एक तानाशाह है भाई, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। आप लोग जो साथी हैं सभी, मैं कहता बार बार कह दो, आप एकजुट होइए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए जहां तक हो सकता है। लेकिन भाई मुझे ये तो बता दो यार, हर बार कहता हूं हमारा प्रधान कौन है? आप लोगों का नहीं है तो भाई उसका आप मेहनत कीजिए, आप तो आपको आवाज उठाना ही पड़ेगा हर हालात में, नहीं तो बुरे फंस जाओगे। तो वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना।